Good morning, friends. Once again, I am in front of you with a new class of the 90 days English speaking course from TCL. I am Ashish sir. आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा और आशा है कि आपने उस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी और उस प्रैक्टिस से आपको लाभ मिला होगा. अब आप जितने भी डायलॉग्स हमसे सीखते जा रहे हैं उसको अपने रियल लाइफ में अंग्रेजी में बोलने की शुरुआत करिए, डेली अभ्यास करिए और खूब सेंटेंसेस बनाइए. और उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स पे हमारे चैनल पे लिखकर भेजिए, हम आपकी और हेल्प कर सकते हैं. क्योंकि अभी तक हम लाइव इंटरेक्शन की प्रैक्टिस में थे तो अभी हम नहीं जान पा रहे हैं कि जब ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो स्टूडेंट्स को और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. हमारे डिस्कशन के दौरान हो सकता है कि कोई चीज़ एक्सप्लेन ना हो पाई हो या कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो. अगर किसी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा जिससे कि आपको और बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करा सकूँ. दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रीवियस वीडियोज. आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता के बारे में या किसी की कार्य क्षमता के बारे में अपना वक्तव्य कैसे रख सकता है या किसी घटना के होने के बारे में अपना वक्तव्य, अपना डायलॉग कैसे अंग्रेजी में बोले. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि वह खेल सकता है, वो पढ़ा सकता है, वह अंग्रेजी बोल सकता है, वो कंप्यूटर चला सकता है, वो मोबाइल चला सकता है, वह जीत सकता है, वह पैसे कमा सकता है, लाइक दिस, तो इन वाक्यों में आप उसकी 80% प्रेजेंट कैपेबिलिटी को शो कर रहे हैं. तो जब कभी हम कोई ऐसा डायलॉग बोलते हैं जिसमें किसी सब्जेक्ट की 80% कैपेबिलिटी शो हो या किसी घटना के होने के 80% चांसेस, प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस, 80% प्रेजेंट कैपेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, ये आज की हमारी सिचुएशन है. तो ऐसे डायलॉग्स को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? तो अभी आपने देखा कि मैंने कैपेबिलिटी के कुछ सेंटेंसेस आपको बोल के दिखाए. फॉर एग्जांपल, राम खेल सकता है, राम अंग्रेजी बोल सकता है, राम जीत सकता है. इसी प्रकार से किसी घटना के होने के चांसेस, आज आंधी आ सकती है, आज बरसात हो सकती है, कोरोना बढ़ सकता है, लॉकडाउन हो सकता है, ये क्या हो गई? किसी घटना के होने की चांसेस. जब ऐसे डायलॉग्स को आप हिंदी में बोलते हैं तो कुछ शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, सकता है, सकती है अथवा सकते हैं. तो जब कभी कोई आपको ऐसा डायलॉग मिले जिसमें हिंदी भाषा में सकता है, सकती है अथवा सकते हैं आ रहा हो तो उस डायलॉग को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? इट इज़ वेरी इजी. आपको करना क्या है? आपको कैन ऑक्सिलरी का प्रयोग करना है, ठीक है? और उसके बाद जिस घटना के होने की बात हो रही है या जिस काम को करने की क्षमता की बात हो रही है उसकी कार्य की फर्स्ट फॉर्म, हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कैन, नकारात्मक होने पर नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जांपल, राम खेल सकता है. तो सब्जेक्ट क्या हो गया? राम. ऑक्सिलरी क्या आ जाए? कैन प्ले. आपने देखा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आया सकता है, तो आपने राम के बाद ऑक्सिलरी क्या लगा दी? कैन. और उसके बाद जो कार्य हो रहा था उसकी फर्स्ट फॉर्म, राम नहीं खेल सकता है, राम कैन नॉट प्ले. आज बारिश हो सकती है, इट कैन रेन टुडे. आज बारिश नहीं हो सकती है, इट कैन नॉट रेन टुडे. मैं लखनऊ जा सकता हूं, आई कैन गो लखनऊ. मैं लखनऊ नहीं जा सकता हूं, आई कैन नॉट गो लखनऊ. मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश. मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश. तो इन वाक्यों में क्या हो रहा है? सब्जेक्ट की 80% प्रेजेंट कैपेबिलिटी शो हो रही है. जब बारिश वाला सेंटेंस मैंने बोला तो उसमें क्या हो रहा है? किसी घटना के होने की प्रेजेंट 80% प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस. किसी घटना के होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो उस वाक्य को बोलने के लिए आप ऑक्सिलरी का यूज करेंगे? कैन. आ जाते हैं सेकेंड सिचुएशन की ओर.
अगर चांसेस कम हो किसी घटना के होने के या बहुत कम चांसेस हो किसी घटना के होने के, तो 20% या 50% प्रेजेंट कैपेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, 20% चांसेस हो किसी काम की या किसी व्यक्ति के अंदर किसी काम को करने की 50% क्षमता हो, तो कैसे बोलेंगे? शायद राम खेल सकता है, शायद राम जीत सकता है, शायद बारिश हो सकती है, शायद तूफान आ सकता है, शायद भारत पाकिस्तान को हरा सकता है। तो इसमें तो आप कॉन्फिडेंट होंगे कि इंडिया तो हमेशा पाकिस्तान को हरा ही सकता है, नो प्रॉब्लम। तो इन दीज सेंटेंसेस शायद के साथ हम सकता है, सकती है, सकते हैं लगा रहे हैं, यानी जब किसी घटना के होने के चांसेस कम हो जाते हैं तो हम हिंदी भाषा में शायद लगाकर, जब हम किसी अपने स्टेटमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते तो शायद लगा देते हैं हिंदी भाषा में। और इंग्लिश भाषा में क्या करेंगे? जब शायद के साथ कैपेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी शो करनी है तब हम ऑक्सली यूज करेंगे माइट। अगर 20% चांसेस हैं तो माइट, अगर 50% चांसेस हैं तो मे। जैसे हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस माइट, नकारात्मक होने पर नॉट, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वहां क्या था? राम खेल सकता है, लेकिन अगर राम के खेलने की क्षमता के बारे में शक हो, चांसेस के बारे में शक हो, तो शायद राम खेल सकता है। तो जब शायद के साथ सकता है आ गया तो हम ऑक्सी क्या लगाएंगे? माइट। आप फ्री हैं, आपको यह देखना होगा कि आपके डायलॉग में क्षमता 50% है तो मे लगाइए और कम है तो माइट। शायद राम खेल सकता है तो राम माइट प्ले, शायद बारिश हो सकती है, तो क्या हो जाएगा? इट माइट रेन। ठीक है, तो शायद मम्मी खाना बना सकती हैं, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है लेकिन और कोई बनाने वाला नहीं है, तो शायद मम्मी खाना बना सकती हैं, तो मम्मी माइट कुक फूड, बहुत कम चांसेस है। ठीक है, तो मैं खाना बना सकता हूँ, आई कैन कुक फूड, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आज से आप लोग ये बोलेंगे आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये कहना है मैं हार सकता हूँ तो हमेशा यही कहिएगा आई माइट लूज। ठीक है, मैं हरा सकता हूँ आई कैन डिफीट। ठीक है, मैं दाल छोंक सकता हूँ आई कैन सीजन द पल्स, मैं रोटी भी बेल लेता हूँ तो आई कैन रोल द चपाती, आई कैन बेक द चपाती, आई कैन सीजन द पल्स, आई कैन विनो द राइस, आई कैन गार्निश द फूड। खाने को जब टेबल पे सजाते हैं उसके लिए गार्निश नहीं यूज होता, खाना तैयार हो जाने के बाद कई बार धनिया पत्ती से हम उसके ऊपर, दाल के ऊपर, सब्जी के ऊपर डालते हैं ना, तो उसे बोलते हैं गार्निशिंग। तो अगर आपको बोलना है मैं खाना सजा सकता हूँ तो आई कैन गार्निश द फूड, मैं बर्तन धो सकता हूँ, आई कैन वॉश द पॉट, मैं बर्तन मांझ सकता हूँ, आई कैन स्क्रब द पॉट, मैं कपड़े धुल सकता हूँ, आई कैन वॉश क्लॉथ्स, मैं झाड़ू लगा सकता हूँ, आई कैन ब्रूम, मैं पोछा लगा सकता हूँ, आई कैन मॉप, वह पोछा लगा सकता है, ही कैन मॉप। लेकिन अगर चांसेस कम हो तो माइट का प्रयोग करिए, शायद वह आ सकता है, ही माइट कम, शायद वह जीत सकता है, ही माइट विन, शायद मैं पढ़ा सकता हूँ, आई माइट टीच, शायद मैं लिख सकता हूँ, आई माइट राइट, शायद मैं नहीं लिख सकता हूँ, आई माइट नॉट राइट। इज इट क्लियर? तो अब आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, आप लोगों को इन सिचुएशंस के डायलॉग हिंदी में ना बोल के अंग्रेजी में बोलने हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें।
अगर किस काम को करने की क्षमता बतानी है उसकी इंग्लिश नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में हिंदी लिखिए, मैं उसकी अंग्रेजी आपको बता दूंगा, या गूगल सर्च कर लीजिए या डिक्शनरी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि घर के जो आपकी डेली लाइफ में आने वाली वर्ब्स हैं सबकी मैं इंग्लिश आपको बताता चलूँ, जैसे मैं जम्हाई ले सकता हूँ आई कैन यॉन, मैं झपकी ले सकता हूँ आई कैन नैप, मैं पिछले वीडियोस में ये बता चुका हूँ। वह डकार ले सकता ही कैन बेल्च, वह थप्पड़ मार सकता ही कैन स्लैप, वह घूंसा मार सकता ही कैन पंच, वह ताली बजा सकता ही कैन क्लैप, वह सीटी बजा सकता ही कैन विशिल, शायद वह सीटी बजा सकता ही माइट विशिल, वह समझा सकता है ही कैन कन्विंस, वह समझ सकता है ही कैन अंडरस्टैंड, ही कैन गेट भी बोल सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि वीडियो के दौरान मैं बहुत सारे एग्जांपल्स ले रहा हूं, उसके बावजूद आपके निजी जीवन में कोई ऐसा कार्य है जिसकी अंग्रेजी आपको नहीं आ रही है, जिसके कारण आप सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में उसकी हिंदी डालिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, उसकी इंग्लिश आपको मिल जाएगी, या गूगल पे सर्च कर लीजिए या डिक्शनरी सर्च कर लीजिए। लेकिन जिस सिचुएशंस के डायलॉग की मैं अंग्रेजी बोलना आपको सिखा चुका हूं, अब वो डायलॉग आपकी ज़िंदगी में हिंदी में नहीं होना चाहिए, ये कमिटमेंट रखिए, ये फर्म डिटर्मिनेशन रखिए, तभी आप सीख पाएंगे हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कैसे अंग्रेजी बोलना सीखें विद द फर्म डिटर्मिनेशन कि जो चीज़ समझ ली अब वो हिंदी में नहीं बोलनी, अब वो अंग्रेजी में ही बोलनी है। दिक्कत आ रही है किस चीज़ में, उसकी क्रिया की इंग्लिश नहीं आ रही है, हम सर की हेल्प ले लेंगे, डिक्शनरी की हेल्प ले लेंगे, गूगल की हेल्प ले लेंगे। और इस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू रखने के लिए क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे, जिससे एक सिस्टम के द्वारा आप जल्द से जल्द अंग्रेजी बोलना सीख जाएं और उसके वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। वीडियो में भी कई सुधार हो सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ इस तरीके से हो तो बेहतर होगी, या पिछले वीडियो में सर ने जो बताया वो मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उस चीज़ के फिर से वीडियो बना देता हूँ, बेहतर करने की कोशिश करूँगा। क्यों? बिकॉज आई एम डेडिकेटेड टूवर्ड्स माई वर्क, यू आर डेडिकेटेड, इफ़ यू आर सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस आईकॉन बटन, बेल बटन, एंड जस्ट गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द एवरी इंडिविजुअल वीडियो, रेगुलरली आई एम मेकिंग वीडियो एंड सेंडिंग ऑन यूट्यूब ऑन माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बटन, थैंक यू। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिखिए, वंस अगेन वेलकम।